फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं छोले की सब्जी। बहुत ही टेस्टी बनती है। इसको आप पूरी, भटूरा, कुलचा, नान किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। ये रेसिपी बिल्कुल ढाबे की तरह बनती है, जिस तरह का ढाबे में आपको मिलती है और या तो आप जैसे शादियों में खाते हैं बिल्कुल वैसा टेस्ट है। अगर आपको देखना है कि ये रेसिपी मैंने कैसे बनाई है तो मेरा वीडियो फॉलो करें, और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 2 कप छोले भिगो दिए थे रात को, तो ओवरनाइट भिगोए हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 तेज़पत्ता, 1 चम्मच चाय पत्ती अच्छा कलर आने के लिए, और इसमें मैं डालूंगी नमक। और इसको हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे 6 से 7 सीटी विसल आने तक हमें इसको कुक करना है। तो देखिए ये कुक हो गया है, कुकर ठंडा भी हो गया है, बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। मैं आपको दिखाती हूँ एक प्रेस करके कि ये बहुत ही अच्छे से हो गए हैं, ज़्यादा मैशी भी नहीं हुए हैं और कड़क भी नहीं है। इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो 1 कप प्याज अच्छे से पीस लिया है, 2 टमाटर पिसे हुए, इसके अलावा 3 लहसुन, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च कुटी हुई, इसको आप पीस भी सकते हैं, फिर 3 लाल मिर्च सूखी, इसके अलावा खड़ा गरम मसाला। खड़े गरम मसाले में आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। तेज पत्ता हम पहले डाल चुके हैं इसलिए मैं वो नहीं ले रही हूँ, तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इसके अलावा मसालों में हमने लिया है यहाँ 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च अच्छा कलर आने के लिए, थोड़ी सी हींग हम लेंगे, 1/2 चम्मच काला नमक, हल्दी, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच जीरा, और इसके अलावा तेल और नमक स्वाद अनुसार। यहाँ मैंने लिया है 2 चम्मच तेल और 1 चम्मच घी। घी मिलाने से टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। हमारे खड़े गरम मसाले हमने लिए हैं जीरा के साथ, वो हम इसमें एक साथ डाल देंगे। हम डालेंगे सूखी लाल मिर्च, हल्का से इसको हम पका लेंगे, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे पिसे हुए प्याज। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है छोले की सब्जी बनाने का कि हमें प्याज को बहुत अच्छे से कुक करना है। प्याज कच्ची नहीं रहनी चाहिए, अदरवाइज सब्जी में कच्चा कच्चा टेस्ट आएगा। तो प्याज को आप लो फ्लेम पे बहुत देर तक पकाते रहिए, अगर आप चाहें तो आप इसे ढक भी सकते हैं। बीच बीच में आप इसको चलाते रहिए, प्याज नीचे नहीं लगना चाहिए। अब मैं इस टाइम पे इसमें डाल रही हूँ हींग। हींग में डाल रही हूँ करीब 1/2 छोटी चम्मच। प्याज हल्का हल्का पकने लगा है, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम और पकाएंगे। प्याज पकने लगेगी जब ये तेल आपको दिखने लगेगा ऊपर, जब तेल छूट जाएगा इसका मतलब प्याज पक रही है, और इसकी खुशबू भी जो है वो कच्ची नहीं आएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि प्याज कच्चा नहीं है अभी। तो इसको आप हिला हिला के इसको चलाते हुए पका लीजिए और 2-3 मिनट। देखिए अच्छे से प्याज हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे सारे मसाले, तो मैंने इसमें डाल दी धनिया, अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी, इसके बाद मैं इसमें डालूंगी अमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और इसके अलावा हम डालेंगे छोला मसाला। छोला मसाला ये स्टोर बॉट है, और मैं 1 चम्मच करीब छोला मसाला इसमें ऐड करूंगी। अब इनको हम सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और करीब 1 से 2 मिनट इनको हम पकने देंगे। टमाटर प्यूरी डालने से पहले हम मसाले को थोड़ा सा पकने देंगे। तो इनको सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अब इसमें हम डालेंगे टोमेटो प्यूरी, जो टमाटर की प्यूरी हमने रेडी की थी। इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और अब हमें टमाटर को भी अच्छे से पकाना है, ये भी कच्चा नहीं रहना चाहिए। ये जल्दी पक जाता है, आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे और तेल आपको ऊपर दिखने लगेगा। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसको पकने दीजिए। मसाले हमारे पक रहे हैं, जब तक हम छोला रेडी कर लेते हैं। जो छोला हमने उबाला था इसको हम हल्का सा मैश कर लेंगे, थोड़ी थिक ग्रेवी हो जाएगी। पूरी तरह मैश नहीं करना है, इसमें छोले भी रहने चाहिए, दिखने चाहिए। हल्के हाथों से आप थोड़ा सा इसको मैश कर लीजिए, और अगर आप आलू यूज़ कर रहे हैं उबले आलू तो फिर आपको ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आलू यूज़ नहीं किया है इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। तो इसको हल्के हाथों से आप प्रेस कर लीजिए।
छोले रेडी हैं। अब इसको हम जो हमारा मसाला भी पक चुका है मसाले में हम डाल देंगे। और डालने के बाद हम पूरे मसाले को और छोले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको लगता है छोले डालने के बाद कि आपका जो ग्रेवी है वो थिक है तो आप इसमें पानी और ऐड कर सकते हैं, और अगर ज़रूरत नहीं लगती है तो पानी ना ऐड करें। अभी हमने इसमें मसाले में हमने इसमें अभी गरम मसाला ऐड नहीं किया है, हमने नमक ऐड नहीं किया है। एक बार ये थोड़ा सा उबल जाए उसके बाद हम ऐड करेंगे। तो ये उबल गया है, अब मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी। इसके अलावा अब मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर दूंगी, जीरा पाउडर ऐड करूंगी और काला नमक ऐड करूंगी। ये सबसे लास्ट में हम ऐड कर रहे हैं, इससे फ्लेवर बिल्कुल और भी अच्छा हो जाता है छोले का। और आप इसमें हरा धनिया भी ऐड करें, हरा धनिया भी बहुत एनहांस कर देता है फ्लेवर को। अब अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और गैस आप ऑफ कर दीजिए। छोले हमारे बनके रेडी हैं। अगर आपको रात को सर्व करना है तो आप 2 से 3 घंटे पहले बना लीजिए, ढक के रखिए इसको। जो छोले हैं उसमें जो मसाले हैं उसका टेस्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, तो बहुत ही अच्छे बनते हैं छोले, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बिल्कुल लास्ट में मैं इसमें 1 चम्मच घी ऊपर से ऐड कर रही हूँ, ये टेस्ट एकदम बढ़ा देता है। आप ज़रूर ट्राई करें ऐसे 1 चम्मच घी ऐड करना, या अगर आप घी नहीं है तो आप बटर भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। अब आप इसको हरे धनिया से गार्निश कर दीजिए, ऊपर से थोड़ा हरा धनिया स्प्रेड कर दीजिए। आप चाहें तो नींबू भी ऐड कर सकते हैं, सर्व करते टाइम कच्चे प्याज ऐड कर सकते हैं सर्व करते टाइम, बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार ये ज़रूर ट्राई करें। होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।